क्लास शुरू करते हैं और आज से हम लोग एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर सिक्स का, सैम सिक्स डीएससी फोर मैथमेटिकल मॉडलिंग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। अभी जो पेपर 13 आपने पढ़ा है मैट्रिक स्पेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर 14 में लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, डीएससी 3 में आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर जैसे पता है, जैसे आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे मैथ्स या फिर आप लोग पढ़ाते होंगे, तो अक्सर बच्चों के अंदर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता होगा कि सर हम इन चीज़ों का यूज़ कहाँ करेंगे। आखिर हम मान के चला जाए कि आप किसी बच्चे को बताएं कि आप जोड़ घटाओ सिखा रहे हैं, कि प्लस या सब्ट्रैक्शन ये सब सिखा रहे हैं, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई आप जब मार्केट जाएंगे या फिर जो भी चीज़ों को करेंगे तो कभी लेन देन में आपको यूज़ पड़ेगा, तो इसलिए सीखिए, है ना। बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है ना, एक बहुत ही कॉमन सा पेपर कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग हर, इसके बिना कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर आप कहीं पे भी कुछ भी प्रोजेक्ट बन रहा है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग है। अगर हम इस बोर्ड के ऊपर लिख पा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ हुआ है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते ये है, और बहुत आसान भी है। तो बस ध्यान से समझना है, और आज का जो क्लास होगा वो बहुत बेसिक होगा। ध्यान रहे सेमेस्टर सिक्स में जो डीएससी फोर में है ना, बहुत से कॉलेजेस में मैकेनिक्स है और कुछ कॉलेजेस में मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप मैकेनिक्स का क्लास देखें, अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग, और बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आपको पता है क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल चलिए क्लास शुरू करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये जो अपना पेपर है इसको शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आज का क्लास ही होगा बेसिक्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि बेसिक टर्म्स से, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आखिर है क्या। इस चीज़ को समझने के लिए ना हम लोग कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स का हिंदी होता है प्रारूप। अब ये प्रारूप क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर जा करके हम मैथमेटिकल मॉडलिंग को समझेंगे, डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे। अच्छा, आपने एक मूवी देखा होगा, एक मूवी नहीं भाई बहुत सारे मूवीज आपने देखे होंगे, जहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि जैसे एक पूरा शहर का नक्शा एक छोटे से मॉडल के रूप में ऐसा रहता है। जैसे विलन लोग नहीं होते, जैसे मान के चलिए कहीं चोरी वोरी करना है तो क्या करते हैं लोग, पूरे शहर का एक नक्शा या पूरे एक बिल्डिंग का मॉडल रहता है कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगा, आप यहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे शहर को एक छोटे से मॉडल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया, ये भी एक मॉडल है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडल्स क्या है, है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडल क्या है, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो थोड़ा सा समझिए, जैसे अभी हम समझा रहे थे, अगर पूरे एक शहर को एक छोटे से रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, प्रोटोटाइप। जैसे मान के चला जाए कि कभी बिल्डिंग को बनाना है, तो बिल्डिंग को दो तरीके से बनाने के लिए दो तरीके से मॉडल तैयार किया जाता है। एक तो मॉडल ऐसा तैयार किया जाता है, जैसे आपने अभी बहुत सारा अक्सर छोटे छोटे न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि अभी हाल ही एक राम मंदिर का जो था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था, उसका एक प्रोटोटाइप पहले तैयार किया गया था, एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया था कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये, मतलब जैसे कि मन से जो भी हाइट का गेट बनना है उसको एक छोटे रूप में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये आप अभी जाएंगे तो आप देखेंगे भी वहाँ पे वो मॉडल अभी भी रखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पूरे बड़े शहर को या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट को छोटे से प्रारूप के रूप में, मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करे, वही तो एक मॉडल। और ध्यान रहे मॉडल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आप डायरेक्टली फिजिकल मॉडल कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली इसको छोटे रूप में करके बना रहे हैं, और एक होता है कि उसको पेपर में बनाया गया, उसको ही मॉडल बोलते हैं। जैसे कि अभी जैसे हम किसी एक बिल्डिंग का ही बात कर रहे हैं या किसी एक शहर का ही बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडल के रूप में। एक तो सीधा सीधा प्रोटोटाइप बना दिया, उसी का छोटा हिस्सा बना दिए, जैसे यहाँ पे एक गेट है छोटा गेट बनाएंगे, एक बिल्डिंग है छोटा बिल्डिंग बनाएंगे, तो एक प्रोटोटाइप छोटा सा हिस्सा बनाएंगे, ये भी एक मॉडल है। और एक तरीके का मॉडल और होता है, दो ही तरीके के मॉडल्स होते हैं, एस्क्योमेटिक मॉडल्स जिसे कहेंगे, क्या कि हमने उसको ड्रॉ करा डाइग्राम के रूप में कि भाई एक ये एक लाइन बिल्डिंग को बता रहा है, ये सड़क को बता रहा है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आज का क्लास जो होगा ना पहले से चीज़ें लिखी गई हैं बेसिक्स है इस वजह से। तो फिलहाल हम बात करते हैं, क्या पहला चैप्टर है मैथमेटिकल मॉडलिंग का, फर्स्ट चैप्टर ही क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग नीड की, जरूरत क्या है इसका, टेक्निक्स क्लासिफिकेशन एंड इलस्ट्रेशन, है ना, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, नीड क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग का, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमें बात करना है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, उम्मीद है एक आइडिया लगा होगा कि मॉडल्स के बारे में क्या मतलब हो रहा है। देखिए मॉडल्स क्या है, मॉडल्स को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अ मॉडल इज अ मिनिएचर
या एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट या मिनिएचर, जनरली मॉडल जो होता है, जैसे मान के चला जाए एक बिल्डिंग है तो उसका मॉडल हम लोग ऑब्वियस है उससे मिनिएचर छोटा ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग है तो उससे बड़ा उसका मॉडल बना देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अ मॉडल इज अ मिनिएचर या एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अ पैटर्न ऑफ समथिंग टू बी मेड, कि किसी चीज़ का पैटर्न को बनाना, कि वो किस तरीके से उसके पैटर्न को बनाना, या फिर आप बोल सकते हैं अ रिप्रेजेंटेशन यूज टू विजुअलाइज समथिंग, कि किसी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन। समझ पा रहे हैं? आइए, मॉडल कितने टाइप्स के कह सकते हैं, अभी मॉडल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मॉडल कह सकते हैं हम दो टाइप्स के यहाँ पे हो सकते हैं, फिजिकल मॉडल जिसे प्रोटोटाइप भी कहते हैं हम लोग, जैसे कि वही हम बात कर रहे थे कि एक कोई कंप्लीट सा बिल्डिंग है और उसका हमने प्रोटोटाइप हिस्सा तैयार किया, तो क्या कहेंगे, देखिए इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड कॉपी, ये कंस्ट्रक्टेड कॉपी उसी चीज़ का कॉपी होता है, बस छोटे रूप में होता है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड कॉपी ऑफ द मॉडल ऑब्जेक्ट, कि जो भी मॉडल का ऑब्जेक्ट का जो मॉडल बनाना है उसका एक कंस्ट्रक्टेड कॉपी होता है, बस मिनिएचर रूप में होता है, छोटे रूप में होता है। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉडल एयरप्लेन, एरोप्लेन को या एयरप्लेन को बनाने से पहले उसका एक, आपने देखा होगा अक्सर भी कि एयरप्लेन का मॉडल्स होते हैं मार्केट में मिलते हैं, उससे बच्चे खिलौने के रूप में खरीदते हैं। फिर मॉडल्स बिल्डिंग, कि बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मॉडल आपके पास होता है। फिर मॉडल ब्रिज, ब्रिज को बनाने से पहले आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अभी आप सरस्वती पूजा वगैरह में देखते होंगे कि हावड़ा ब्रिज का एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया गया, या फिर और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस जो हैं उसका एक मॉडल तैयार किया गया, तो वो सब चीज़ें क्या है, एक मॉडल्स को हम उस चीज़ को कह सकते हैं एक मॉडल है। अब फिर एक होता है स्कीमेटिक मॉडल्स, ये क्या होता है, जैसे कि उसी बिल्डिंग को हम क्या एक मिनिएचर के रूप में पूरा कॉपी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर उसी चीज़ को हम डायग्राम के रूप में ढांचा उसका लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कीमेटिक मॉडल्स। क्या होता है, स्कीमेटिक मॉडल्स प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ विजुअलाइजिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, कि सिस्टम स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये एक मतलब कह सकते हैं कि मॉडल्स प्रोवाइड करता है, स्कीमेटिक मॉडल्स भी एक मॉडल्स ही है जो क्या करता है, मीन्स ऑफ विजुअलाइजिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, कि सिस्टम स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है स्कीमेटिक मॉडल्स। एग्जाम्पल क्या, गूगल मैप्स, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से गूगल मैप, आप ध्यान दीजिए, अब अगर गूगल मैप की हम बात करते हैं, ये भी तो एक मॉडल है कि पूरे शहर को, बल्कि पूरे इंडिया को, बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से आपको रिजल्ट्स के रूप में विजुअलाइज करा रहा है, वो भी एक मॉडल है, लेकिन वो प्रोटोटाइप नहीं है, वो डायरेक्टली उसका कॉपी नहीं है, आप भाई आप समझ पा रहे हैं, उसका डायरेक्टली कॉपी नहीं है, बस हाँ विजुअलाइज करने में हेल्प कर रहा है, वो भी एक मॉडल है। तो इस टाइप के मॉडल्स को बोलते हैं स्कीमेटिक मॉडल्स, या फिर ग्राफ बोल सकते हैं, ग्राफ भी तो एक मॉडल्स है ना, या फिर ज्योग्राफिकल मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स समझ रहे हैं, फिर या फिर डायग्राम किसी भी चीज़ का हो सकता है, या फिर और भी चीज़ें जैसे बिल्डिंग का डायग्राम, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था, हमने समझा कि मॉडल्स एक्चुअली में क्या होता है, मॉडल इस तरीके का फिजिकल मॉडल जिसे प्रोटोटाइप भी कहते हैं, या फिर स्कीमेटिक मॉडल। अब मॉडल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल मॉडल एंड सो ऑन। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले मैथमेटिकल मॉडल। तो देखिए मैथमेटिकल मॉडल एक्चुअली में क्या होता है, मॉडलिंग अलग चीज़ है, ध्यान रखेंगे, मॉडल पहले समझिए क्या है, कि मैथमेटिकल मॉडल क्या है, कि मैथमेटिकल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, या रियल वर्ल्ड बोल सकते हो आप, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ, कि मैथमेटिकल मॉडल क्या है, एक तरीके का मॉडल ही है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना, रियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, और वो मॉडल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में अगर तैयार किया गया हो तो उस मॉडल को हम क्या कहेंगे, उस मॉडल को कहेंगे हम मैथमेटिकल मॉडल। एग्जाम्पल्स देंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, पर एक बार डेफिनेशन और देखिए, मैथमेटिकल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, बिहेवियर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसा समझिए कि एक हमने यहाँ पे कोई एक व्यापारी है, वो किसी चीज़ पे डील करता है, हमने इससे पहले भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से चीज़ों को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो रियल एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं ऐसा, क्या देखिए, जैसे मान के चला जाए कि इंडिया का पॉपुलेशन की ही बात करते हैं, आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन मॉडल क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो जैसे इंडिया का हम पॉपुलेशन की बात करें, उसके लिए हम एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं। मॉडल का मतलब ये होता है कि उस मॉडल की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, मॉडल का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जैसे कि हम इसका मान लें कि इसमें हम क्या मान लें कि एक हम मान लेते हैं कैपिटल एम, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पॉपुलेशन को,
और ये हम बात करते हैं टी, टी मतलब टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम ये चीज लिख देते हैं dm by dt, तो आपको बहुत अच्छा पता है डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई एक इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में हम एक मॉडल तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें हम m मतलब पॉपुलेशन को m से डिनोट कर रहे हैं, t फॉर टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये भी चेंज होगा, मतलब इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन भी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, ये चेंज होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो वैसा मॉडल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से वो मॉडल बनाया गया हो, उस मॉडल को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड का बिहेवियर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रहे, इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लैंग्वेज, कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज का यूज करके। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होता है? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज जरा समझ लीजिए, जैसे एलजेब्रिक इक्वेशन, ये भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, एल्गोरिथम, फॉर्मूला, थ्योरम, ये सब जो चीजें हैं वो क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हम समझा रहे थे आपको, क्या समझा रहे थे कि इंडिया का पॉपुलेशन को हम एम से डिनोट कर दिए, टाइम को टी से डिनोट कर दिए, तो डीएम बाई डी टी हम मान के चलते हैं कुछ समथिंग है के। ये हम क्या कह सकते हैं कि जब टाइम चेंज करेंगे तो पॉपुलेशन चेंज करेगा, क्या होगा? कुछ हो सकता है कि 2021 में हम बात करें तो कुछ पॉपुलेशन हो, फिर आगे बात करेंगे तो कुछ पॉपुलेशन हो, फिर और आगे बात करें तो कुछ और पॉपुलेशन हो। तो ये एक मॉडल तैयार हो गया किस चीज़ का? इंडिया के पॉपुलेशन का, कि टाइम के हिसाब से मॉडल चेंज, टाइम के हिसाब से इसका पॉपुलेशन चेंज करो। तो ये भी तो एक मॉडल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या है? कि मैथमेटिकल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन भाई? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड या रियल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिनॉन इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। कि अगर किसी चीज़ के बिहेवियर को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी मॉडल को बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडल। क्लियर? जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, देखे तो हम यहाँ पे एक आपको यहाँ पे समझा रहे थे एक बिल्डिंग वाला मॉडल, कि मॉडल बिल्डिंग, कि किसी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्टेड कॉपी बना दिए, तो वो भी तो एक मॉडल हुआ, बट वो मॉडल मैथमेटिकल मॉडल नहीं कह सकते, वो डायरेक्टली कह सकते फिजिकल मॉडल है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, वहाँ पे मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रल इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ नहीं किया गया मॉडल बनाने में। वहाँ पे मॉडल बनाने में हम लोग सीधा का सीधा कॉपी कर दिए हैं, कंस्ट्रक्टेड कॉपी बना दिए हैं। तो उस टाइप के मॉडल्स को हम मैथमेटिकल मॉडल नहीं कहेंगे। वैसा मॉडल जिसके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके मॉडल्स बनाए गए हो, उस टाइप के मॉडल को बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडल। तो ये था मैथमेटिकल मॉडल। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं, क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज आपने समझा, अब ये मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, आइए देखते हैं उसको। तो मैथमेटिकल मॉडल को बनाने में जो प्रोसेस लगता है, कि भाई हमने ये एम को ये माना, इस टी को टाइम माना, फिर के कोई टाइम टू टाइम वेरीज करने वाले कॉन्स्टेंट को दिखा रहा है ना, तो ये जो पूरा एल्गोरिथम है, जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जरा ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जरा ध्यान से समझिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो इस पूरे पेपर का नाम ही है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत अलग अलग टाइप्स के मैथमेटिकल मॉडल को बनाएंगे, और वो जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्लियर? जरा ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल मॉडल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो का हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है? टू मेक प्रिडिक्शंस और प्रोवाइड्स इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है सूक्ष्म रूप, है ना? इनसाइट्स का मतलब कह सकते हैं छोटे रूप में। अब ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना? Why mathematical modeling? We use को आप कट कर सकते हैं why mathematical modeling? कि mathematical modeling क्यों? आखिर इसका जरूरत क्या पड़ा है? ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरत क्या है? इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई एक क्वेश्चन तो कॉमन सा होना ही चाहिए ना, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान के चला जाए कि कभी हम लोग, जैसे भी अभी अभी आपने इससे पहले सुना होगा चंद्रयान 2, फिर इससे पहले चंद्रयान हुआ था, फिर और भी बहुत सारे हम लोग सेटेलाइट या फिर रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते रहते हैं।
तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे हम मान के चल रहे कि पोटेशियम या फिर सल्फर वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप डायरेक्टली टेस्ट करके पता नहीं कर सकते इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान के चला जाए कि आप अगर चंद्रयान या फिर जो भी आप मिशन पे बात करना चाह रहे हैं स्पेस मिशन पे, तो आप चीज़ों को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि अच्छा हमने इसको टेस्ट करा, इस स्पीड से टेस्ट करते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं पहुंचा तो फिर और स्पीड से करेंगे। तो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्टली टेस्ट करके प्रैक्टिकली करके नहीं, पॉसिबल नहीं होता है ना। जैसे मान के चलिए कुछ भी पोटेशियम हो गया या फिर सल्फर हो गया कि भाई अगर उसको व्यक्ति खाता है तब क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। बहुत जगह क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, या फिर एक्सपेंसिव हो सकता है, या फिर इवन डेंजरस भी हो सकता है, या सिंपली इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल भी हो सकता है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि सूरज है, उस सूरज के सरफेस का टेम्परेचर फाइंड करना, ये तो सिंपली इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम लोग बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग की वजह से। हम लोग वहाँ पे मॉडल्स तैयार करते हैं कि इस डिस्टेंस पे यहाँ ऐसा टेम्परेचर है, वहीं से सन से ही लाइट आ रहा तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, इतना डिस्टेंस पे इतना टेम्परेचर है, थोड़ा सा और आगे गए तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आगे जाएंगे तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से हम वहाँ का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इम्पॉसिबल होती हैं, या डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इम्पॉसिबल होता है, या फिर एक्सपेंसिव होता है। जैसे हम वो स्पेस मिशन वाली बात कर रहे थे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है कि भाई एक बार आप मून मिशन कर रहे हो तो कितना एक्सपेंसिव आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है, और उसके बाद अगर आप हर बार टेस्ट कर के फिर एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पे एक मॉडल तैयार किया जाता है कि इस तरीके से होगा तो ऐसा होगा, इस स्पीड से करेंगे, फिर और सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, समटाइम्स डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा आप लोग, एक्सपेंसिव या इवन डेंजरस और सिंपली इम्पॉसिबल, देन वी यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग, तब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज विजुअलाइज इन वेरियस एप्लीकेशन, वैल्यूएबल इन वेरियस एप्लीकेशन। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज वैल्यूएबल इन वेरियस एप्लीकेशन, इट गिव्स प्रिडिक्शन, यहाँ पे प्रिडिक्शन ध्यान दीजिएगा, प्रिडिक्शन। जैसे कि बहुत जगह पे क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ही बताता है कि भाई आज बारिश होगा या फिर नहीं होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम वही स्पेस वाली बात कर रहे थे, है ना, उस स्पेस वाले चीज़ों में भी हम बात कर सकते हैं कि अगर हम इस हिसाब से कर रहे हैं तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। या फिर जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं, तो कोरोना पैंडेमिक को अगर हम लोग रोक पा रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ हो रहा है। हमने सबसे पहले एक मॉडल तैयार करा होगा कुछ इस तरीके से कि भाई ये इस टाइम के हिसाब से अपना जो एक्टिव केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है, अगर हम लोग ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दे तो हो सकता है कम हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ होता है, इसीलिए सिर्फ मैथ्स में ही नहीं मॉडलिंग यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ होता है, फिजिक्स में भी मॉडलिंग यूज़ होता है। तो ध्यान रखिए क्या बोला गया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज वैल्यूएबल इन वेरियस एप्लीकेशंस, इट गिव्स प्रिडिक्शंस एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का ये स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करता है, प्रिडिक्शंस भी देता है। तो क्या है, एंड एनेबल अ स्कीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, कि बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग भी ये डेवलप करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये तो था कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसको उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लगाओ कि भैया हम आखिर मैथमेटिकल मॉडलिंग क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम पहले मॉडल पे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप मान के चला जाए कि आप बिल्डिंग एक बनाना चाह रहे हैं, एक बड़ा अच्छा घर बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले हम घर बना रहे हैं उसके बाद देखेंगे अच्छा नहीं ये रूम अच्छा नहीं लग रहा इसको चलिए फिर से वापस तोड़िए, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी जब हम प्रोजेक्ट बात करें जहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो इस मॉडल पे बात करें, अच्छा चलिए इसको इधर कर दीजिए, इसको आप ऐसे कीजिए, पहले मॉडल पे बात कर लेते हैं फिर उसके बाद हम वहाँ पर काम करते हैं। तो यही है मॉडल का रिक्वायरमेंट। तो अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये तो हम क्यों पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि वाई मैथमेटिकल मॉडलिंग या वाई वी यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग, यहाँ पे वी यूज को हटा भी सकते, वाई आप लिख सकते हैं वाई मैथमेटिकल मॉडलिंग, या फिर आप आगे बात कर सकते हैं। अब ये तो था कि क्यों पढ़ेंगे, अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग का उद्देश्य क्या है, ये क्यों पढ़ेंगे आपने समझा, लेकिन इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्यों पढ़ेंगे और उसका उद्देश्य क्या है।
तो उद्देश्य मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग हम उसका उद्देश्य बोल सकते हैं कि हम किसी चीज़ को प्रिडिक्शन करने के लिए, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का उद्देश्य है कि किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लीजिए, किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिए। तो आप यहाँ से एक छोटा सा लाइन और लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं वाई मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग का उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें उद्देश्य, जैसे कि किसी चीज़ को प्रिडिक्शन करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी चीज़ों के लिए कि किसी प्रॉब्लम के स्ट्रेटजी सॉल्यूशंस के लिए, या और भी चीज़ें लिख सकते हैं आप। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर या वाई वी यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। अभी अभी हमने समझा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल मॉडल हमने समझा, एक छोटा सा डेफिनेशन हमने समझा कि वैसा मॉडल जिसमें मैथमेटिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से वो बना हो, समझ रहे हैं, वैसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो यहाँ पे आप दो लाइन का डेफिनेशन कह सकते हैं। फिर हमने देखा मैथमेटिकल, यहाँ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हमने छोटा सा डेफिनेशन देखा, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कितना मार्क्स में, 20 मार्क्स में। लेकिन ये अकेला क्वेश्चन नहीं था, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब उसके बाद क्वेश्चन था कि कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर लास्ट में हम बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे। तो अभी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और था, बट अभी तक जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से एक क्वेश्चन आता है क्या, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैथमेटिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडलिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये समझिए लगभग 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो आप उसमें दो दो लाइन का डेफिनेशन अगर लिखते हैं तब तो भाई कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। वहाँ हमने समझाया कि मॉडल क्या है और मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्चुअली में होता क्या है। आइए उसका प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है वो ये है, क्या है, वही चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे इसमें, क्या है, अ मैथमेटिकल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट सिचुएशन एंड फिनोमिनॉन यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। बट वही मैथमेटिकल मॉडल का जो डेफिनेशन था वही है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ों को ऐड क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके क्या ऐड करेंगे, देखिए हम यहाँ पे ये ऐड करेंगे, अ मैथमेटिकल मॉडलिंग कैन बी यूज अ सेट ऑफ, देखिए सॉरी यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए, यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए, देखिए यहाँ पे अ मैथमेटिकल मॉडल, चलिए इस चीज को ना हम यहाँ से ये कर देते हैं, चलिए ठीक है यहाँ तक देखिए। तो क्या है जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अ मैथमेटिकल मॉडल, अभी तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करना था, मुझे डिफाइन करना था मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा कि मैथमेटिकल मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट सिचुएशन एंड फिनोमिनन यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज, ये हो गया मैथमेटिकल मॉडल का डेफिनेशन। अब हम उसके बारे में लिखते रहे कि मैथमेटिकल मॉडल जो होता है जनरली कंस्ट्रक्ट होता है, या तो उसके अंदर अलजेब्रिक इक्वेशन होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम ऐड कर रहा है। तो क्या लिखा है, अ मैथमेटिकल मॉडल कैन बी सेट ऑफ इक्वेशन, तो सेट ऑफ इक्वेशन हो सकता है दैट रिप्रेजेंट इंटरकनेक्शन इन अ सिस्टम, कि जो रिप्रेजेंट करे इंटरकनेक्शन इन सिस्टम, कि जो अपना मॉडल है और जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड बिहेवियर उसके बीच एक इंटरकनेक्शन को रिप्रेजेंट करे, कौन वो इक्वेशंस। तो देखिए मैथमेटिकल मॉडल कैन बी अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट्स इंटरकनेक्शन इन अ सिस्टम। अच्छा, द इक्वेशंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, द इक्वेशन जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, इंटीग्रल इक्वेशन हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। वही लिखा हुआ कि द इक्वेशंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू, ध्यान रखेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू फिजिकल क्वान्टिटीज, इन दीज ऑब्जेक्ट्स चेंज विद द सिस्टम, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, विल they are fixed, then are called parameters। क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि equations में, जैसे जो भी equations हम बना रहे हैं कि models के अंदर जब example देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि variables क्या है, parameters क्या है, इन चीज़ों को अलग से define भी करेंगे हम लोग। बट अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो हम mathematical model बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ equations होंगे, ठीक है, और उन वो जो equations होगा उसके अंदर कैसे बन रहे होंगे, तो the equations are written in terms of mathematical objects, जो इक्वेशन होगा वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में लिखा हुआ होगा, और हर ऑब्जेक्ट्स अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होगा। जैसे थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे कि यहाँ पे m जो है d, देखिए
डीएम बाई डी टी क्या बता रहा है, पॉपुलेशन को बता रहा था, एम पॉपुलेशन को बता रहा था, टी टाइम को बता रहा था, तो डीएम बाई डी टी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस को बता रहा, तो ये जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया वो क्या बता रहा है, पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस को बता रहा, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया था क्या कि द इक्वेशंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, अच्छा दे आर कोरेस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू फिजिकल क्वांटिटीज, समझ पा रहे हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, देखिए इफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ दीज ऑब्जेक्ट्स चेंज विद इन द सिस्टम, कि अगर ये सिस्टम के अंदर चेंज होता है तो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, तब वेरिएबल्स कहेंगे, विल दे आर फिक्स, अगर वो फिक्स है तो देन दे आर कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, हम आगे बताएंगे कॉन्स्टेंट का कब हम बात करते हैं, पैरामीटर का कब बात करते हैं, वेरिएबल्स का कब बात करते हैं, तो मैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडल से आप क्या समझते हैं, तो हमने यहाँ लिखा और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे बताएं उसके बारे में। अब बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग देखिए जो हमने डेफिनेशन लिखा था उसी को शुरुआत में लिखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग refers to process of creating a mathematical representation bracket में mathematical model of real world scenario to make prediction, to make prediction or provide insight, insight का मतलब होता है सूक्ष्म ढांचा, मतलब कि mathematical model ये भी तो मदद करता है कि prediction करिए, prediction करने में मदद करता है, या फिर जो पूरी बड़ी चीज़ें हैं उसको छोटे रूप में, सूक्ष्म ढांचा इसका हिंदी हो गया सूक्ष्म ढांचा, छोटा रूप, छोटा प्रारूप, तो छोटे रूप में भी करने के लिए मदद करता है mathematical model modeling। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है वही होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आगे उसके बारे में क्या लिखा गया है, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज असेंशियली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग जनरली जो होता है असेंशियली कंसिस्ट होता है किससे बना होता है, तो ट्रांसलेटिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अच्छा मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड इंटरप्रेटिंग दिस सॉल्यूशन इन द लैंग्वेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। उसके बाद मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर काम करता है क्या होता है कि रियल प्रॉब्लम को क्या करता है, पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम में करता है, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल में सॉल्व, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करते हैं, और फिर मैथमेटिकल सॉल्यूशन को इंटरप्रेटेट करते हैं, और फिर वापस से हम मैच कराते हैं कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन था वो रियल वर्ल्ड से कितना परसेंट मैच कर रहा है। मतलब जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक बिल्डिंग है उस चीज़ का सबसे पहले बिल्डिंग को बनाने से पहले वो तो एक रियल वर्ल्ड है ना, बिल्डिंग को मुझे बनाना है तो एक रियल वर्ल्ड है, तो उस रियल वर्ल्ड को हमने सबसे पहले इमेजिन करा कि एक रियल वर्ल्ड में ऐसा बनाना था मुझे, उसको सबसे पहले हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करा, फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम उसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाले कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ये जो भी इसका सॉल्यूशन है मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाले, फिर उसको रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि उसको रिप्रेजेंट करा, और फिर जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन आया है उसको वापस से रियल प्रॉब्लम के साथ देखा कि कितना मैच कर रहा है ना। तो यही है कि ये एक मैथमेटिकल साइकिल्स भी होता है, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग साइकिल्स भी बोलते हैं, आगे हम समझाएंगे इसके बारे में अलग से, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो फिलहाल वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रियल प्रॉब्लम, फिर इसे क्या हम कहाँ जा रहे हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, फिर मैथमेटिकल सॉल्यूशन, फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर वापस से रियल प्रॉब्लम के साथ इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो एक साइकिल बनाता है ये। आइए अब कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए वॉइस सही नहीं आ रहा है क्या, एक बार बता दीजिए कमेंट करके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। अगर वॉइस सही नहीं आ रहा है तो फिर क्लास का क्या मतलब है, एक बार कमेंट करके पहले बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए एक बार कमेंट करके पहले आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा ही मांग रही, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो इस तरीके से चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि सिंपल सिचुएशन रिक्वायरिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये कुछ यहाँ पे हेडिंग है, आप कोई ऐसे भी एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रहा सकता है एग्जाम में कि गिव सब सिंपल सिचुएशंस विच इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग, कुछ ऐसे सिंपल सिचुएशंस का आप एग्जांपल दीजिए जो मैथमेटिकल मॉडलिंग को रिक्वायर करते हैं,
जो कि अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग को, जरा आप क्लास 9-10 की बातें याद कीजिए। आपको याद है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी कि एक लाइट हाउस होता था, है ना, एक लाइट हाउस होता था और यहाँ पे कोई एक बच्चा होता था, वो कुछ इस तरीके से इसको देख रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है समथिंग, मुझे इस लाइट हाउस की हाइट पता करनी होती थी। याद आ रहा है कुछ? ये भी तो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग ही है कि ये चीज़ डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, ये बच्चा डायरेक्ट इसको चढ़ के इसके ऊपर क्लाइम करके पता नहीं कर सकता इसका हाइट कितना है, तो ये क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे मैथमेटिकल थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। कैसे कर रहे हैं जरा देखिए, अगर इस बच्चे को यहाँ पे कोई एक बच्चा है, यहाँ पे जो भी हो इस तरीके से यहाँ पे कोई बच्चा है और ये इस इसका हाइट को पता करना था, सबसे पहले ये तो ये बच्चा ये जरूर कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता कर लेगा, ये तो पता कर सकता है। अच्छा, अब ये इसको जो देख रहा है ये एंगल, अगर इसको पता चल जाए कि ये कितना डिग्री का यहाँ एंगल बना रहा है, अल्फा जो यहाँ कितना डिग्री का है, तब इसके हाइट को बिना इसके ऊपर क्लाइंब किए, बिना इसके ऊपर चढ़े इसका हाइट को पता कर सकता है थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल है कि वो एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जहाँ पे उसके ये चीज़ पता करना है और ये एंगल पता करना है ताकि आप उसके हाइट को पता कर सकते हैं। तो देखिए एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, एक सिंपल सिचुएशन है ना जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग रिक्वायर्ड है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्चुअली में है क्या, एक ऐसा मॉडल जो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जहाँ पॉसिबल ना हो, एक्सपेंसिव हो, तो उस सिचुएशन में हम एक मॉडल तैयार कर रहे हैं जहाँ पे हम इसके मदद से इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसके हाइट्स को पता कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ये सिंपल अकेला क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कि सिंपल सिचुएशन रिक्वायरिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसको अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि सम सिंपल सिचुएशन इन विच द मैथमेटिकल मॉडलिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोस। कुछ सिंपल सिचुएशन दिए गए हैं नीचे में, फॉलोइंग बोला गया है, जिसके अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग को किस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया। तो पहला सिंपल सिचुएशन क्या है, देखिए नंबर वन सिचुएशन क्या है, फाइंडिंग द हाइट ऑफ ए टावर, फाइंडिंग द हाइट ऑफ ए टावर, कि एक टावर के हाइट को पता करना। अच्छा किसके द्वारा, तो भाई इसके इसके हाइट को पता करने के, अच्छा ध्यान रहे विदाउट क्लाइंबिंग इट, किसके ऊपर बिना चढ़े हुए पता करना है तब, तो ध्यान दीजिए फाइंडिंग द हाइट ऑफ टावर विदाउट क्लाइंबिंग इट, किसके ऊपर बिना चढ़े, तो कैसे इसके पता कर सकते हैं। तो देखिए आपको भी सेम ऐसे कलर चेंज करके लिखना है आंसर में कि फॉर दिस वी कैन ट्राई टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ टावर इन टर्म्स ऑफ सम डिस्टेंस एंड एंगल विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है कि इस हाइट को, इस टावर के हाइट को पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा एक वर्ड बोल सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और हाइट पता कर देंगे। तो इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा मुझे, तो कुछ नहीं करना होगा भाई, इसके हाइट को आप एक्सप्रेस कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन ग्राउंड। मतलब कि आपको याद है अगर ये चीज़ हम आपको याद दिलाएं, क्लास 9-10 की बातें याद दिलाएं, जैसे मान के चला जाए कि एक कोई बच्चा यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, इसको देख रहा है, तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो बताइए इसका हाइट कितना हो। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका हाइट कितना होगा, कैसे निकालते थे हम लोग, आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये था कुछ पंडित ऐसे बद्री वैसा क्या था, याद आ रहा है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, कुछ ऐसा ना पंडित बद्री प्रसाद कुछ हर हर बोले इस तरीके से कुछ था, आप लोग को याद होगा है ना। तो साइन का क्या हो गया, पी बाई एच, कॉस का हो गया बी बाई एच, ये हो गया। तो अगर मुझे ये हाइट चाहिए तो हमें इस पर बिना चढ़े, अगर सिर्फ आपको ये चीज़ें पता हो तो मतलब इसके हाइट को आप एक्सप्रेस कर लीजिए किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल। कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इधर वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया बेस। तो P बाई बी किसके साथ रिलेशन आता है, तो 10 के साथ, तो क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया अपना टावर का हाइट जिसे हम P नाम दिए हैं, और डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे 10 30 का वैल्यू लिख दीजिए, फिर आप P का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली आप इसका हाइट को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ यही बातें हैं, जरा ध्यान दीजिए, पहला सिचुएशन सिंपल सिचुएशन हमारे पास क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, हमसे कह रहे हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ तो वही चीज़ है, जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि समटाइम्स सिंपल सिचुएशन इन विच द मैथमेटिकल मॉडलिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो, इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड। तो पहला सिचुएशन क्या था,
कि फाइंडिंग द हाइट ऑफ टावर विदाउट क्लाइंबिंग इट, कि बिना चढ़े हुए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर दिस वी कैन ट्राई टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ टावर इन टर्म्स ऑफ सम डिस्टेंस एंड एंगल विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड से ही बिना चढ़े हुए, समझ रहे हैं, ग्राउंड से ही क्या डिस्टेंस है वो और क्या एंगल है वो। आपको पता है बोलेंगे एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो एंगल मेजर करने के लिए आपको पता है कि जो चीज़ें, अगर ये छोटा सा लाइन जो एंगल बना रहा है इसको आप बड़ा कर देंगे तो भी लाइन उतना ही एंगल बनाएगा, जो भी चीज़ें, उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हो। सेकंड सिचुएशन क्या है, फाइंडिंग द विड्थ ऑफ अ रिवर और अ कैनल, रिवर मीन्स नदी, कैनल मीन्स आप नहर कह सकते हैं, तो फाइंडिंग द विड्थ ऑफ अ रिवर और कैनल विदाउट क्रॉसिंग इट, कि बिना नदी को क्रॉस किए उसकी चौड़ाई पता करनी है, तो कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फॉर दिस वी ट्राई टू एक्सप्रेस द विड्थ ऑफ रिवर इन टर्म्स ऑफ सम डिस्टेंस एंड एंगल, सम डिस्टेंस एंड यहाँ पे होगा सम डिस्टेंस एंड एंगल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे ये पता करना है, जैसे ये नदी है, मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, ये वाला मुझे पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम ये पता कर ले यहाँ से, क्या अगर ये कुछ हम यहाँ से ये पता कर ले कि इसका डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, अगर ये पता कर ले यहाँ से ये डिस्टेंस और ये अगर एंगल पता कर ले, ये डिस्टेंस और ये एंगल, तो हम फाइनली इस चीज़ को बिना क्रॉस किए पता कर सकते हैं। समझ रहे हैं, अब बोलेंगे भाई ये वाला कैसे पता करें बिना क्रॉस किए, पता कर सकते हैं, अगर आप नदी के इस साइड में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही ना डिस्टेंस इधर होगा, तो हम बिना नदी को क्रॉस किए ये वाला तो पता कर सकते हैं, और ये वाला पता कर लिया तो यही इतना हो गया, और फिर इसके बाद देखेंगे भाई ये पॉइंट यहाँ गया। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप कि बिना नदी को पार किए हम कैसे उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं इस चीज़ को हम लोग, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का ये निकाल लिया डिस्टेंस, सिंपली इसको हम लोग अब कर सकते हैं कि इसके सिंपली यहाँ आ गया फिर इसका ये आ गया, क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। हमने इसी की मदद से इधर का डिस्टेंस हम पता कर लिया, क्योंकि हम यहाँ तो पता कर सकते हैं ना, तो जब इतना होगा तो उधर ही होगा, तो ये डिस्टेंस मुझे पता चल चुका है। अब उसके बाद हमने यहाँ से ये पता कर लिया, ये वाला अब हम पता, ये तो अपना इसी को तो हम मुझे पता करना था, तो हम ये डिस्टेंस क्या हम बोल सकते हैं, अब ये एंगल पता कर सकते हैं हम, ये एंगल, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस पता, ये एंगल पता चल गया, तो आप ये भी निकाल सकते हैं और ये हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, तो पी वाई बी का आप लगा दीजिए फॉर्मूला 10 यहाँ पर निकल जाएगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड सिचुएशन तो दिया गया था फाइंडिंग दी, अच्छा सेकंड क्या था, फाइंडिंग दी विड्थ ऑफ ए रिवर और अ कैनल विदाउट क्रॉसिंग इट, तो इसके लिए भी हम मॉडलिंग थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, समझ रहे हैं, निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, फाइंडिंग दी टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन, कि सन के सर्फेस का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सन से सर्फेस आ रहा है, अगर मान चलिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1 किलोमीटर आगे गए तब क्या टेम्परेचर में डिक्रीज कितना हो रहा है, फिर उसके अगले पे बात करें तो एक हम मॉडल तैयार कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसके सर्फेस का बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है तो उसका सर्फेस का क्या होगा। समझ रहे हैं बात, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि फॉर दिस वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर एट द सर्फेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि लाइट के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। फोर्थ वाला जो है वो ध्यान दीजिए, फाइंडिंग द मास ऑफ द अर्थ, अच्छा ध्यान दीजिए, फाइंडिंग द मास ऑफ द अर्थ विदाउट यूजिंग अ बैलेंस, बैलेंस मतलब आप तराजू कह सकते हैं, ऑब्वियस है कि इतना बड़ा बैलेंस बना नहीं है कि हम उसको वेट करके बता सके उसका मास कितना है, तो इस चीज़ के लिए इसका लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, बट आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, फॉर दिस वी ट्राई टू एक्सप्रेस द मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ सम नॉन मास एंड डिस्टेंस, इस चीज़ को पता करने के लिए हम ये पता कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो नॉन मास है, समझ रहे हैं, जैसे आप ये बात कर सकते हैं कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मास है, या फिर इससे रिलेटेड जो मास है इसके ग्रेविटी या और भी बहुत सारी चीज़ों के टर्म्स में इसके मास को एक्सप्रेस करके हम पता कर सकते हैं। ये चौथा था, पांचवा क्या है जरा ध्यान दीजिए, अच्छा एक क्या है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, फाइंड द टाइम इट टेक्स अ सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, क्या मतलब हुआ कि फाइंड द टाइम इट टेक्स अ सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट, कि एक सैटेलाइट जो 10,000 किलोमीटर सरफेस से ऊपर पे है और वो एक ऑर्बिट अपना कंप्लीट करे वो कितना टाइम्स लेगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको भी पता करने के लिए हम लोग न्यूटन लॉ का
यूज करके जरा ध्यान दीजिए. फॉर दिस वी यूज न्यूटन्स लॉ टू गेट अ रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट पीरियड्स एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस रिलेशन के मदद से यहाँ पे लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करके पता कर सकते हैं कि वो एक ऑर्बिट कितने देर में पूरा करेगा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूजेस क्या क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें. छठा नंबर में क्या है, एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2030. आपने सेमेस्टर फोर में पढ़ा होगा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, याद आ रहा है? इंटरपोलेशन क्या कहता था कि अभी जो डेटा है, जैसे आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुआ था, फिर 2001 में, उससे पहले एक में हुआ था, फिर उसके बाद 91 में हुआ था, मतलब 10-10 साल के गैप में हो रहा था जनगणना. तो हम लोगों ने इंटरपोलेशन में क्या सीखा था, हमने इंटरपोलेशन में सीखा था कि जैसे जनगणना क्या हुआ था 1991 में, 1991, फिर इससे अगर बात करेंगे तो 1981, फिर यहाँ पे 2001, फिर 2011 और 2021 में भी होना था, बट वहाँ पे कोरोना पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ है. तो ये जो सेंसेंस हो रहे हैं, मतलब जनगणना जो हो रहा है 81 में, 91 में, 1 में, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2011 में, ये जो जनगणना हुआ है ये तो सिर्फ बीच बीच. अगर हम, मुझे पता करना था कि 2003 में जनगणना क्या रहा इंडिया का, पॉपुलेशन क्या रहा, तो कैसे पता कर रहे थे, इंटरपोलेशन की मदद से. याद आ रहा है क्लास सेमेस्टर फोर में हमने पढ़ा था कि अगर डेटा इसके लिए कितना करोड़ दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है, तो इस डेटा के मदद से हम एक मॉडल तैयार करते थे जिसके मदद से हम ये बता पाएंगे कि 2003 में कितना था, 2004 में कितना था. तो ये तो था इंटरपोलेशन, और एक एक्स्ट्रापोलेशन भी हमने आपको वहाँ पर एक आइडिया दिया था कि एक्स्ट्रापोलेशन क्या, इस डेटा जहाँ तक डेटा दिया हुआ उसके बाहर भी बता सकता है भाई कि किस हिसाब से बढ़ रहा है. हम एक मॉडल तैयार किए और उस मॉडल की मदद से हम बता सकते हैं कि 2030 में कितना होगा, फिर 2040 में कितना होगा, ये भी बता सकते हैं. तो यही चीज़, ये भी एक है कि एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईयर 2030, 2030 में कितना होगा. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही चीज़ एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस वी कैन एक्स्ट्रापुलेट द डेटा. डेटा को एक्स्ट्रापुलेट करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस सक्सेंस, है ना, सेंसेंस, और डेवलप अ मॉडल एक्सप्रेसिंग द पॉपुलेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब या तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके कीजिए या फिर आप एक मॉडल तैयार कीजिए जिसमें क्या हो, फंक्शन क्या हो, डेवलप अ मॉडल एक्सप्रेसिंग द पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि पॉपुलेशन को एक टाइम का फंक्शन बनाइए. पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो गया तो टाइम चेंज तो फंक्शन का पॉपुलेशन चेंज. तो इस तरीके से एक्सप्रेस करके एक मॉडल भी बना सकते हैं या फिर एक्स्ट्रापोलेट करके भी बना सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सातवां नंबर क्या है जरा देखिए ध्यान से. तो सातवां नंबर क्या कहता है, अब ध्यान रहे भाई 20 मार्क्स में है तो 7-8-9 तो लिखेंगे ही, कम से कम पॉइंट्स तो लिखना ही होंगे आपको. तो अब ये आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे इसमें भी, है ना, जैसे कि मतलब कम से कम 9-10 तो लिखना ही है. अब 20 मार्क्स का दिया जा रहा है, एक ही क्वेश्चन में 20 मार्क्स, समझ पा रहे हैं आप लोग. तो क्या है, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड अ बॉडी ऑफ प्रेशर. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए अगर इस चीज़ के बारे में हम बात करें कि किसी व्यक्ति के अंदर में कितना ब्लड है, आप इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं क्या, बताइए. अगर आप एक्सपेरिमेंट करके पता करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस व्यक्ति के अंदर जितना ब्लड है आप पहले इंजेक्ट कर लीजिए, मतलब बाहर निकाल लीजिए आप, तब सोचिए उस व्यक्ति का क्या होगा. तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल नहीं है. ये क्या है, फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड अ बॉडी प्रेशर, सॉरी बॉडी ऑफ अ पर्सन. किसी व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड है इसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, तो ये तो दैट एक्सपेरिमेंट तो आप कर नहीं सकते इस चीज़ को. तो इस चीज़ को पता करने के लिए छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, फिर हम मॉडल तैयार करेंगे कैसे कर सकते हैं, जरा समझिए. जैसे कि मान के चला जाए कि एक बाल्टी है इस तरीके से और यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ये बाल्टी है और इसके ऊपर ना ढक्कन लगा हुआ है इस तरीके से, कोई कैप बहुत अच्छे से पैक है ये बाल्टी, इसके ऊपर इसका ढक्कन है लगा हुआ और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितना पानी है. इसको समझने के लिए, वो मॉडल समझने के लिए इसको समझते हैं कि मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना पानी. हाँ, अपने पास एक कलर है, एक डब्बा ऐसा मांग सकता है कि अपने पास एक इस तरीके का कलर है और इस कलर का प्रॉपर्टी मुझे पता है. ठीक है, ध्यान तो सुनिएगा, इस कलर का मुझे प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये 1 लीटर में डालते हैं तो ये इतना इसका कंसंट्रेशन होगा. कंसंट्रेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी मतलब जो सांद्रता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर ये 1 लीटर पानी में डाल दे तो कितना कंसंट्रेट रहेगा. आप इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कितना फीका या फिर कितना गढ़ा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मुझे अपने पास पता कि एक कलर है अपने पास कि 1 लीटर पानी में डाल रहे तो इतना फीका होना है या फिर इतना ऐसा कंसंट्रेशन होना है. अगर 2 में डाल दे तो ऐसा हो जाएगा, 3 में डाल दे तो ऐसा हो जाएगा. अगर इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर डाल दें, मैंने नहीं देखा इसके अंदर पानी कितना, फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा पानी निकाल लें आपस में,
फिल्टर करके वापस थोड़ा सा पानी निकाल के पता कर ले कि भाई कितना कंसंट्रेट हुआ। समझ पा रहे हैं हम कहने का क्या मतलब है कि हमने इसके अंदर कलर डाला और फिर थोड़ा सा निकाल लिए मिलाने के बाद और निकाले और देखे भाई इतने ये तो पूरा ही फीका हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पानी का मात्रा ज़्यादा होगा। तो इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है बिना देखे। सेम यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी, किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना है कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके अंदर तो आप ये कलर तो डाल नहीं सकते, उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? सुक्रोज, शुगर, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद अगर जितना ज़्यादा ब्लड होगा उस हिसाब से शुगर का कंसंट्रेशन कम होगा या कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो देखिए तो क्या है कि क्या फाइंडिंग दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड अ बॉडी ऑफ पर्सन, तो क्या कर सकते हैं? फॉर दिस वी इंजेक्ट सम ग्लूकोज, कि व्यक्ति के अंदर कुछ ग्लूकोज डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, अच्छा इन टू द ब्लड स्ट्रीम, कि जो रक्त की धारा है शरीर के अंदर उसके में हम क्या कुछ ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज इंजेक्ट किए तो जितना ब्लड होगा उसके हिसाब से ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए फॉर दिस वी इंजेक्ट सम ग्लूकोज इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड बाय ऑब्जर्विंग, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, क्या कितना कंसंट्रेशन बढ़ा शुगर के अंदर ब्लड का उसके हिसाब से हम बता पाएंगे वी कैन कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्या ये बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट बताइए। अब एक बार आठवां नंबर देख लेते हैं, फाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ 30% रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस। अगर मान के चलते इंडिया पे अभी आपको पता है इंडिया पे अभी इनकम टैक्स का क्या क्या प्रोसेस है, तो जैसे जो हम अभी दे रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि अभी इससे पहले क्या था वो अलग चीज़ था, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हम बताते हैं आपको कि अगर आप पर ईयर 5 लाख इनकम करते हैं प्योर इनकम, अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देने होंगे, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए गवर्नमेंट को देना होगा इनकम टैक्स के रूप में। इसके अलावा आपने GST वगैरह क्या करा है वो मतलब नहीं बनता। अगर 5 लाख पर ईयर कमाते हैं तो आपको 10% देने होंगे। अच्छा अगर 5 लाख से आप अधिक कमाते हैं उससे आप मतलब अगले 10 लाख वाले ये में आते हैं सेक्शन में, तो उसके बाद आपको 15% देने होंगे। और फिर कंपनी के सेक्शन में आती है इंडिविजुअल के लिए, अकेला आदमी अगर कमा रहा है तो उसके लिए, फिर कंपनीज के लिए अलग टैक्सेस रेट है अभी इंडिया में, तो इस तरह से रेट है। अब सोचिए कि अगर इसी रेट को करके 3% कर दिया जाए, कि अभी जो 10% गवर्नमेंट ले रहा है एक इंडिविजुअल एक पर्सन से जो इतना कमा रहा है, अब 3% कर दे तो क्या होगा? इकोनॉमी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो अब बताइए इस चीज़ को अब गवर्नमेंट को पता करना है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या कर सकते गवर्नमेंट? एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना कि भाई चलिए 3% करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाए। तो इसीलिए जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ना करके हम लोग मॉडल करते हैं, मॉडल को तैयार करते हैं, और मॉडल इस तरीके से तैयार होगा कि हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस तरीके के पास्ट में कभी रिडक्शन हुए हैं, कभी कट्स हुए हैं कि 10% ले रहे थे अब 3% लेने लगे, 10% ले रहे थे अगर 20% कर दे तो कितना इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे, या 30% बढ़ा के कर दे तो इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट आएगा। तो इन सब के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ना करके क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल में जो प्रीवियस के जो डेटा रहे होंगे उन डेटा को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अगर ऐसे कट रहे थे तो कितना, अगर कट का मतलब कितना छूट दिए थे तो कितना हमें लॉस हुआ था, ऐसा बढ़ाए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था। समझ पा रहे? जैसे अभी पेट्रोल्स का अगर रेट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल का रेट मतलब कभी कभी इन्फ्लुएंस वो होते रहता है, घटता है बढ़ता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी जो है इंडिया का जो कंट्री का इकोनॉमी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्या रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। हम लोग पहले एक मॉडल तैयार करते हैं उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ 1 रुपये तेल के रेट में बढ़ाना है ना, या फिर 1 रुपये घटाना है। तो पहले मॉडल पर बात करते, तो वही चीज़ है क्या कि फाइंडिंग दी इफेक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ 30% रिडक्शन इन इनकम टैक्स, कि अगर इनकम टैक्स पे 30% का रिडक्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो फॉर दिस वी एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ सिमिलर कट्स इन द पास्ट, यहाँ पे पास्ट होगा पोस्ट नहीं, ठीक है, तो इन द पास्ट, और डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल गिविंग रिलेशन इन टू इनकम कट्स, परचेजिंग पावर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन ETC। मतलब या तो आप पास्ट के कट्स को देख करके आप ऑब्जर्व कर लीजिए, या एक मॉडल बनाइए जिसके अंदर आपने आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जैसे इनकम टैक्स कट कर रहे हैं तो परचेसिंग पावर जो है इंडिया का, जो कंट्री का परचेसिंग पावर है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे कट कर दिया, मान के चला जाए कि अभी मान के चला जाए कि हम 5 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हैं, मुझे 10% टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं मेरे पास कितना बच रहा होगा?
है ना। तो अगर इसी 10% को अगर 2% टैक्स कर दिया जाए तो अब मेरे पास ज़्यादा पैसे बचने लगेंगे। तो अगर ज़्यादा पैसे बचेंगे तो ऑब्वियस है कि अभी हम सोच रहे हैं कि ये खरीद ले वो खरीद ले, तो अब जब मेरे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे तो मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी पे इफेक्ट कैसा जाएगा, अच्छा इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो ये सब चीज़ तो इकोनॉमी की बात हो गई है ना। तो फिलहाल हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग को यहीं पर रहना है। क्या बोला गया था कि हम एक मॉडल तैयार करें जहाँ पे इनकम टैक्स कट होना चाहिए, इनकम टैक्स कट्स या इनकम कट्स भी कर दीजिए, परचेजिंग पावर और इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इन सभी के बीच एक रिलेशन वाला मॉडल तैयार कीजिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, एक मॉडल तैयार कीजिए, उसके हिसाब से फिर हम कट्स के बारे में इफेक्ट बता सकते हैं कि क्या आएगा फर्क। तो इस तरीके से चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना, और ये आपको रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन को दूसरे शब्दों में आप याद करना कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये अंतिम वाला क्या है जरा ध्यान दीजिए कि एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ अ कंपनी हैज टू पे नेक्स्ट ईयर। मतलब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी मान के चलते हैं कि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है कि एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ अ कंपनी हैज टू पे नेक्स्ट ईयर। एक आपको एक ना उदाहरण देते हैं, हमारे घर के बगल में एक हमारे दोस्त हैं, तो नया नया अपने घर पे किसी को बाइक सिखा रहे थे, नया नया बाइक था। तो भाई क्या हुआ कि हेडलाइट ना मतलब टूट गया, जैसे सिखाने के क्रम में हेडलाइट टूट गया, और टूटा बहुत थोड़ा सा टूटा, हाँ उसको फेविक्विक से चिपका कर चलाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उसको पूरा ही तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, इंडिकेटर वगैरह सारे तोड़ दिए, और फिर उसको इंश्योरेंस क्लेम में डाल दिया। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम में क्या होता है कि जो भी अगर आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाए रहते हैं वो उसका सारा पैसा आपको फिर पे करेगा, जैसा आप इंश्योरेंस करवाएंगे कि अगर आप जिस हिसाब से इंश्योरेंस करवाएंगे, अभी तो बहुत अलग अलग टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो उनको क्या किया, वो कंपनी ने सारे पैसे पे करे, वो जो भी अपना उनका बाइक टूटा हुआ था। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी सिचुएशन है कि एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, कि जो जैसे वो बाइक वाले क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्लेम किए कि भाई हमने जो इंश्योरेंस करवाया था बाइक का, वो बाइक अब टूट गया है, आप इस क्लेम्स को भरिए, इसका पैसा आप दीजिए, समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अभी हमारे बाइक की बात करेंगे ना, तो अभी थर्ड ईयर चल रहा है मेरे बाइक का, तो 1800 का इंश्योरेंस मैंने करवाया है, ठीक है, 1800 का इंश्योरेंस करवाया है। और ये 1800 का जैसे हमने फर्स्ट ईयर भी करवाया था तो उस समय शायद 2000 इंश्योरेंस लगा था, और उस समय एक बाइक का वैल्यू कंपनी देता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। मैंने 1800 का फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस करवाया, उस समय मेरे बाइक का वैल्यू था कुछ लगभग 50,000। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा बाइक कभी चोरी हो जाए, पहले साल जब हम खरीदे थे उसी साल अगर चोरी हो जाए, तो बाइक वाला जो इंश्योरेंस वाला जो मुझसे सिर्फ 1800 लिया वो मुझे 50,000 बाइक के बदले देगा। या फिर अगर बाइक टूट जाए तो जितना पैसा लगेगा उसका 80% होता है, 70% जिस हिसाब से इंश्योरेंस रहा उस हिसाब से, या पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगा। और एक चीज़ और कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये 1800 गया, तो यहीं पे बेनिफिट होता है इंश्योरेंस वालों को कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 100,000 पर्सन का इंश्योरेंस करा, उसमें से 102 क्लेम्स आ गए कि भाई उनको भरना है पैसा, तो 2 भरा, लेकिन बाकी सब तो जैसे मेरा इंश्योरेंस तीसरी बार है लेकिन हमने आज तक कभी क्लेम नहीं करा, तो 3 बार का मेरा पैसा गया। लेकिन अब वही चीज़ कोई क्लेम कर दे तो वो कंपनी वालों को पे करना पड़ता, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। क्या जरा ध्यान दीजिए, सिचुएशन क्या है कि एस्टिमेटिंग कि एस्टिमेट करना है द टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ ए कंपनी हैज टू पे नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल उसे कितना पे करना पड़ेगा। इसको कैसे पता कर सकते हैं, तो सेम वही डेटा को कैलकुलेट करके कि प्रीवियस में आप देखिए कि पिछले अगर 10 साल से वो 1,00,000 इंश्योरेंस कर रहे हैं तो हर साल कितना पे करना पड़ा। जैसे मान के चला जाए कि पिछले 10 साल से पहले साल उन्होंने 1,00,000 का इंश्योरेंस करा, 1,00,000 आदमी का इंश्योरेंस करा, 1,00,000 मतलब बाइक का इंश्योरेंस करा, और उन्हें इतना पे करना पड़ा। अगले साल इतना का करा, इतना पे करना पड़ा, अगले साल इतना करा, इतना पे करना पड़ा। तो उस हिसाब से हम एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसे कितना पे करना पड़ेगा, है ना। वही लिखा हुआ है कि फॉर दिस वी यूज प्रोबेबिलिटिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला, संभावना वाला कि इतना हुआ था, अच्छा संभावना किसका, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल एल्स ALS। अब यहाँ पे तो हम बाइक मॉडल का एग्जांपल दे रहे थे, यहाँ पे कुछ दूसरा ही इंश्योरेंस का बात हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वाला बात हो रहा है कि किसी के कंपनी को कितना क्लेम पे करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है। तो वही चीज़ है कि अब व्यक्ति के जीने और न जीने का, मतलब होने और ना होने, हो सकता है कि व्यक्ति इस साल उसका डेथ हो जाए,
तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है ना कि हो सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी इसके डेथ होने का या फिर नहीं होने का